हेलो दोस्तों, वायरस की रसोई में सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। आज हम बनाएंगे छेना रसगुल्ला या स्पंजी रसगुल्ला। तो चलिए बनाते हैं। स्पंजी रसगुल्ला के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1.5 कटोरी चीनी, 1 नींबू का रस या 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून केवड़ा जल, 6 कप पानी। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर दूध, उसको बॉइल करेंगे। अब हमारा दूध बॉइल हो चुका है, हमने गैस बंद कर दिया है। 2 टेबलस्पून विनेगर लेंगे, आप चाहे तो नींबू का रस ले सकते हैं, पर जब नींबू का रस डालें तो उसको छान के डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा छेना एक तरफ आ जाए और पानी अलग रह जाए। ये देखिए धीरे धीरे फटे, थोड़ा ग्रीन कलर हो जाए। ये हमारा दूध फट चुका है, हमारा छेना अलग हो चुका है, आप ग्रीन कलर ये देख रही हैं। चलिए इसको हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, अब इसको हम छानते हैं। हमने एक छन्नी ली है, इसको पतला कपड़ा रखेंगे। मैं कॉटन का रुमाल ले रही हूँ, आप कोई भी कॉटन का पतला रुमाल ले सकती हैं। ध्यान रखें कलर कपड़ा मत लें, कोई भी रंग उतर सकते हैं। अब इसमें अपना छीना डालेंगे। अब इसमें साफ पानी से इसको धोते हैं ताकि विनेगर या नींबू की खटास चली जाए। 1-2 पानी से धोएंगे। अब इसको हम बांधते हैं अच्छे से। पहले हम निचोड़ेंगे, एकदम पानी नहीं निकालना है, हल्के हाथों से हम इसको बांध देंगे। कहीं भी मैं टैप पे बांध दूंगी, आप कहीं भी बांधें ऊंचाई वाली जगह पे, ताकि सारा इसका पानी जो अंदर है निकल जाए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए टांगेंगे। अब हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप चीनी ली है, 6 कप पानी। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 1 कप चीनी डालिएगा। चीनी और पानी का रेशियो 1:4 होना चाहिए। अगर आप 1 कप चीनी डालते हैं तो 4 कप पानी डालिए। हमने 1.5 कप चीनी ली है तो चलिए आधा घंटा हो गया, हमारा छीना तैयार है। 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से मैश करेंगे। आप इसे हथेली से भी कर सकते हैं। इसको हम जब तक मैश करेंगे जब तक ये आटे की फॉर्म में ना आ जाए, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। चलिए हमारा छीना तैयार है। तो हमारी चाशनी तैयार होती है, हम छेना की बॉल्स बनाते हैं। थोड़ा हिस्सा लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे छेने का और हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमाएंगे। हमारी चीनी मेल्ट होने लगी है। इसी तरह मैं बाकी के भी छेना बॉल्स तैयार कर लूँगी। चलिए हमारे सारे छेना रोल तैयार हो चुके हैं। यहाँ मेरे 9 बॉल्स बनी हैं। अगर आपको छोटा साइज करें तो 11 भी बन सकती हैं। जब इसको हम बॉईल करेंगे तो ये डबल हो जाएगी अपने साइज से। चाशनी बॉईल हो चुकी है, अब हम छेना बॉल्स को एक एक करके डालेंगे। बॉल्स को एक साथ डालिएगा, एक एक करके बना के मत डालिएगा। और इसे अब 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ओपन पकाएंगे, फिर हम कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं। बॉईल करने के लिए थोड़ा चौड़ा बर्तन लीजिएगा। मैं 3 मिनट हो गए, इसको हल्के हाथों से चम्मच से, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हल्के हाथों से सभी रसगुल्लों को पलटें। इसे हम 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे 5-5 मिनट बाद। चलिए अभी से हम 5 मिनट हो गए, इसे हम पलटते हैं। देखिए साइज में कितना डबल हो गया है। चलिए इसे हम फिर से ढक देते हैं, 5 मिनट बाद हम इस लो फ्लेम पे से पकाएंगे। चलिए हमारे 5 मिनट फिर हो गए, देखिए हमारा बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसको हम फिर पलट देते हैं। अब इसको हम ओपन में लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। चलिए हमारे तैयार हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक ये रूम टेम्परेचर तक नहीं आता, इसमें हम केवड़ा वाटर डालते हैं। ये हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया, अब इसे एक बॉल में डालेंगे ताकि इसकी शेप एज इट इज रहे। आराम आराम से निकालें। चाशनी को ऊपर तक कवर कर दीजिए ताकि अंदर तक बिल्कुल चाशनी चली जाए। 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए, फ्रिज में मत रखिएगा। फ्रिज में रखने से हो सकता है थोड़ा टाइट हो जाए, क्योंकि पूरा प्योर छेने से बना है छेना। एकदम से हम फ्रिज में रखेंगे तो टाइट हो जाता है, बस
कुछ इस बार का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारे स्पंजी रसगुल्ले तैयार हैं, बना के जरूर देखिएगा कैसा बने हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा।